आज हम आ रही जलंधर रूरल पुलिस ने एक बड़ा अच्छा मडोल जड़ा उसको कैच किया है। जब हमारे SHO भोगपुर ने दो कारों को चेज किया तो उन्होंने चार लड़कों को पकड़ा। उनमें से एक लड़का है जिसको हम साबी कमांडो कमांडो के नाम से जाना जाता है। वो बड़ा एक ड्रेडेड क्रिमिनल निकला। जब इंटेरोगेशन हुई उसके पास इनके पास बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन मिले, आपने अभी देखे हैं। तो उसके बाद इनको जब इंटेरोगेट किया गया तो ये बात सामने आई कि इसने अभी थोड़े दिन पहले पिछले महीने बटाला में एक बड़ा सेंसेशनल मर्डर किया। जब वो मर्डर हुआ उसके बाद एक जग्गू भगवानपुरिया गैंग बदमाश है, वो तो जेल में बंद है काफी टाइम से। उसके एक एसोसिएट ने उसकी साइड साइड से पोस्ट डाल दी कि ये काम उसने करवाया। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो ये वहां से भाग गया। इसने अपने मोबाइल मुगलू वगैरह बंद कर लिया सारा कुछ। फिर यहाँ पे जलंधर में आके इसने शेल्टर ले लिया। उसके बाद इसने नए लड़के साथ में लिया और ये कुछ करने वाले थे उससे पहले ही हमने हमारी टीम ने इनको पकड़ लिया है। और ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन इनसे मिले हैं और दो कारें मिली हैं। इनका रिमांड लिया गया है। मैं फिर आपको कहता हूँ, मैं अपने यूथ को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी, जो ये बदमाश ये अब ग्लोरीफाई करते हैं अपने आप को, उनका एंड रिजल्ट यही होता है जो इनके साथ। सो इनके बहकावे में ना आए, ऐसी कोई पोस्टें सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ ऐसा काम मत करें जिससे उनका फ्यूचर खराब हो सके। जग्गू के साथ कैसे हो? इनकी इंटरोगेशन में आया भी एक लड़का था हमने पूछा भी ये वेपन कहाँ से आए, तो इन्होंने एक लड़के का नाम लिया। वो लड़का हमने बटाले से पता किया, ऑलरेडी थोड़े दिन पहले वो पकड़ा गया। उसके पास से अराउंड 200 कार्ट्रिजेज मिले हैं जिसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी वो कहाँ से आए। इन्होंने उससे लिए थे। उसका कंटेक्ट एक जर्मन का बंदा है, अंडा अंडा कहते हैं उसको, निक नेम एलियस है उसका। वो जर्मन में बैठा हुआ, ही इज एसोसिएटेड ऑफ जगुपुरा। इन पर पहले भी कोई मामले? हाँ जी, इन पर अटेम्प्ट टू मर्डर और लूटिंग के बड़े सेंसेशनल मामले दर्ज हैं और इनके पकड़े जाने से जो अगर फर्दर क्राइम हो सकता है वो प्रिवेंट किया है। जलंधर में भी कोई क्राइम करने अभी वाले? तक ये इंटेरोगेशन में पता चलेगा। अभी तक इन्होंने अभी ग्रुप बना रहे थे, अभी किया नहीं। क्या मामला है? हमने इनके ऊपर एक जो हमारा ग्रुप होता है 399-402 का केस रजिस्टर किया है, जिसको मतलब एक ग्रुप ने बना के आगे क्राइम करने के लिए वो सेक्शन गए। जांच में और भी लोग शामिल हो सकते अभी एक पांचवे का नाम सामने आया है, वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी जो जेल वाला बंदा है वो भी लेके आएंगे। इस सारे मॉड्यूल को हम जो करेंगे सर।